बेयरिंग कंपनी है, एक ऐलान किया कि वो नया कैपेक्स करेंगे, नया प्लांट डालेंगे, स्टॉक 15% चला गया, बढ़ गया। और दूसरे बेयरिंग स्टॉक्स भी, शेफलर बहुत महंगा हो गया बट चला बहुत अच्छा है, एसकेएफ जो लीडर है सेक्टर, वो भी अच्छे रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री दी थी। बेयरिंग स्टॉक्स पे कोई आपका व्यू है, या एटलीस्ट क्योंकि बेयरिंग भी कैपेक्स का एक एक तरह से, कोई भी बड़ा कैपेक्स बिना बेयरिंग्स के हो नहीं सकता, तो उनके बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स ही अवेलेबल है लिस्टेड स्पेस में। टिमकिन को तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन एसकेएफ एज अ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा किया है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और लेकिन अभी आज के दिन वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शनली लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि वो कंपनी अभी भी अच्छा करेगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कैपेक्स की बात करें, दूसरा एक और कैपेक्स प्ले है, वो है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स में हमने देखा कि अशोक लेलैंड ने अपने रिजल्ट के बाद, जो कि अच्छा चला है, अशोक लेलैंड अगर आप 3-4 महीने में, 6 महीने में देखें, डायरेक्टर साहब लेके आइए, तो उन्होंने कहा मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और हमारा वॉल्यूम जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस पीक के पास आ जाएगा या उससे क्रॉस कर जाएगा, मतलब 2018-19 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। हमने जेएनए एक्सेल से आज सुबह बात की, जो अगेन वो चलाते हैं कंपनी जो साथ वो पार्ट्स देती है सीवी को, तो सीवी साइकिल वो भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि विजिबिलिटी अच्छी है। सीवी साइकिल को आप कैसे खेल रहे हैं? सारी कंपनी, जैसे आपने कहा कुछ एंसिलरी कंपनी जैसे टायर कंपनीज के रिजल्ट्स आए, जो ओईएम सप्लायर्स हैं उन्होंने भी इंडिकेशन दिया है कि अगले अगले 2 क्वार्टर्स और अगले साल के लिए भी काफी सीवी कंपनीज इंडिकेट कर रही है कि साइकिल रिवाइवल होगा और अच्छा चलना चाहिए। तो प्योर प्ले में अशोक लेलैंड ये एक कंपनी है, और अशोक लेलैंड करेक्ट भी नहीं हुआ है। बाकी जैसे मिड कैप स्टॉक्स में काफी करेक्शन बीच में आई भी थी, अशोक लेलैंड में थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो 150 ऑड के रेंज में काफी समय से है। तो स्टॉक सस्ता नहीं है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से, तो अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी कंपनी ऑब्वियसली टाटा मोटर्स है, लेकिन उनके जेएलआर के इश्यूज ऐसे हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है।